हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल आसिन की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल मीन्स है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स आर ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। दैट मीन्स एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, वो ओनली ऑन नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। दैट मीन्स वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और होल नंबर होनी चाहिए। दैट फॉर एग्जाम्पल 1/(x+1), √(x+1) एंड 1/(x²+2x+1) आर नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल -1, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल हाफ, √(x) का मतलब पावर कितनी हो गई हाफ, विच इज फ्रैक्शन नॉट ए होल नंबर, सिमिलियर दिस, तो ये क्या हुआ पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर को फर्स्ट होता है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट मीन्स ए पॉलिनोमियल डिग्री 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट मीन्स ए पॉलिनोमियल डिग्री 3। डिग्री का मतलब है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है डिग्री कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है जीरो। क्या होता है जीरोस का मीनिंग? जीरोस मीनिंग ए रियल नंबर के इज सेड टू बी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इज इक्वल टू जीरो। ए रियल नंबर के इज सेट टू बी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स किसी पॉलिनोमियल के अंदर एक ऐसा नंबर हम पुट करें और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो वो उसका क्या कहलाता है जीरोस कहलाता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमको ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ग्राफ गिवन है, ये फर्स्ट सेकेंड नंबर ऑफ जीरोस का मीनिंग क्या है? पॉलिनोमियल है वाई इक्वल टू पी एक्स, दैट मीन्स एक्स के अंदर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होते हैं। तो ये ग्राफ एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है? एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ओनली फॉर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 1 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 0। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 पॉइंट पे। ये एक्स एक्सिस होती रही है वाई एक्सिस कितने पॉइंट पे? 1 पे, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर इंटरसेक्ट कर रहा है? 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 3। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है 1 एंड 2, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 2। सिमिलियर क्वेश्चन नंबर 5, ये ग्राफ एक्स को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होगा? 1, 2, 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 4। ये ग्राफ एक्स को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1, 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 3। ये हो गए एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। 100% एक क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज में से, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कॉफिशियंट का मतलब है जो नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, बी. बी कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट क्या है, ए. तो फॉर्मूला हो गया माइनस बी बाय ए. सेकेंड आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो. फॉर्मूला होता है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कॉन्स्टेंट टर्म का मतलब है जिसके अंदर वेरिएबल नहीं आ रहा, तो कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी है इसमें, सी. और कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए. तो फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का c by a. तो ये दोनों फॉर्मूले में लर्न रखना है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस b by a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c by a. इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 2.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने और सेकंड रिलेशन प्रूफ करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जीरोस फाइंड करने. तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने का सबसे पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड. सबसे इजीएस्ट मेथड यही रहता है, तो हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करेंगे. फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 है या नहीं है. तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 है. अब हम देखेंगे कॉन्स्टेंट कितना आ रहा है, 8. पीछे क्या आ रहा है, माइनस. अब 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसको माइनस करने पर 2 आ जाए, तो क्या होंगे, 4 इंटू 2 8 एंड 4 माइनस 2 2. 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, और 4 में से 2 माइनस किया 2 हो गया. तो हम इस 2 की जगह लिख सकते हैं 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8. क्लियर. ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8. कॉमन लेंगे 2 2 टर्म्स में से, इन दोनों में से कॉमन लिया x, x माइनस 4, इन दोनों में से कॉमन लिया 2, x माइनस 4. x से पहले प्लस से पहले वाली ये टर्म है, ये सेकंड टर्म है, दोनों में से क्या फैक्टर कॉमन आ रहा है, x माइनस 4. यहाँ से क्या बच गया, x माइनस x प्लस 2. हमें फाइंड करने हैं जीरोस, तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए हम उस पॉलिनोमियल किसके इक्वल पुट करते हैं, जीरो के इक्वल 4 जीरोस. px को किसके इक्वल पुट कर दिया, जीरो के इक्वल x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. दो फैक्टर मल्टीप्लीकेशन में है और जीरो के इक्वल है, कब पॉसिबल है, या तो ये प्रोडक्ट जीरो में हो या ये जीरो में हो. इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4. इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 2. तो जीरोस क्या आ गए, हैंस जीरोस आर 4 एंड माइनस 2. ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट हमें रिलेशन प्रूफ करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
relationship between zeros and coefficient. सबसे पहले तो हम पहले तो कैलकुलेशन से चेक करेंगे इसकी वैल्यू को, फिर रिलेशन फॉर्मूले से वेरीफाई करेंगे. तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या निकले, फोर और माइनस टू, इन दोनों का सम कर दिया, फोर प्लस माइनस माइनस टू, इसको मैंने दे दी इक्वेशन फर्स्ट. तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गए, माइनस टू, सॉरी प्लस टू. सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फोर इंटू माइनस टू इक्वल्स टू माइनस एट, इसको दे दी इक्वेशन सेकेंड. ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया. ये तो हमने कैलकुलेशन से निकाला, अब हम किससे निकालेंगे, फॉर्मूले से. तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से. कंपेयर गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इक्वल टू, ए कितना है, वन, बी इक्वल टू माइनस टू एंड सी इक्वल टू माइनस एट. क्लियर. बाय फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं माइनस बी बाय ए. माइनस बी कितना है, माइनस टू, ए कितना है, वन, माइनस माइनस प्लस टू अपॉन वन टू, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन थर्ड. ये हमने फॉर्मूले से निकाला. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए, सी कितना है, माइनस एट, ए कितना है, वन, तो ये कितना हो गया, माइनस एट. ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन फोर्थ. इक्वेशन वन इज इक्वल टू इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन थ्री इज इक्वल टू इक्वेशन फोर्थ. आगे ये हमने फॉर्मूले से ये निकाला और कैलकुलेशन से निकाली, दोनों की वैल्यू इक्वल है सिमिलर प्रोडक्ट में भी. हैंस वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. क्लियर. ये हुआ इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट. सिमिलर क्वेश्चन नंबर सेकेंड. आप सॉल्व करेंगे, मैं आइडिया दे देती हूं. सेकेंड क्वेश्चन है, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है, ए बी सी डी एस पी जेड वाई. अब यहाँ वेरिएबल किसके है, एस है. तो जीरोस फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करते हैं कि एक्स वाई कोएफिशिएंट पॉजिटिव वन है या नहीं है. तो यहाँ पे पॉजिटिव वन नहीं है, बट कितना है, फोर है. तो हम इस एक्स एस स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म वन से मल्टीप्लाई किया हमने, तो प्रोडक्ट कितना आ गया, फोर. अब फोर के ऐसे फैक्टर करने हैं, पीछे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है. इसको प्लस करने पर मिड वाली टर्म बन जाए, इनके मिड टर्म क्या है, फोर. दैट मीन्स टू प्लस टू फोर हो जाता है, और टू को टू से मल्टीप्लाई करते तो भी क्या आता है, फोर. क्लियर. दैट मीन्स हम इस फोर की जगह लिख सकते हैं टू प्लस टू, और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, फोर एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस वन. कॉमन लेंगे, टू एस कॉमन आ गया, टू एस माइनस वन. यहाँ माइनस आ रहा है, पीछे प्लस आ रहा है, ब्रैकेट सेम बनना चाहिए, सिमिलर पीछे कब बनेगा, जब यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल लें, माइनस, और कुछ कॉमन नहीं, वन आ गया,
2s प्लस का माइनस हो गया पूरा ब्रैकेट से 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 रिपीटेड रूट हो गए। अब जीरोस फाइंड करने 4 जीरोस px को क्या करते हैं 0 s की जगह हमारे पास क्या है s है 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दो प्रोडक्ट 0 में है इफ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन 2s इक्वल टू 1 देन s इक्वल टू 1 बाय 2 सिमिलर सेकंड वाले 2s माइनस 1 को भी 0 के इक्वल पुट करते हैं 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन 2s इक्वल टू 1 देन s इक्वल टू 1 अपॉन 2 तो जीरोस क्या हो गए जीरोस आर 1 बाय 2 एंड 1 बाय 2 तो रिपीटेड जीरोस हो गए। सेकंड हमको रिलेशन प्रूफ करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में सिमिलर जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था उसी तरह से इसके जीरोस और रिलेशन के बीच को प्रूफ आपको करना है। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट सिमिलर एक्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था हमने वैसे एज इट इज आपको करना है। आज की क्लास यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।